ये घटना जो मुरैना में हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है कि लड़की के ऊपर तेजाब फेंका और वो उसकी मृत्यु भी हो गई हाथों हाथ। अभी माननीय कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कहा है कि जो तेजाब बेचेगा वो जो तेजाब लेके जाएगा उसका आई कार्ड देखे और उसके बाद ही दे। हालांकि फैसला है ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और एसिड अटैक पे काफ़ी अच्छा फैसला और आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैं सोचती हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट होने में देर लगेगी, लेकिन फिर भी जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं इनको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी को संवेदनशील होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं हमें रोज समझ में नहीं आता कि किस तरह से इन घटनाओं को रोकें, क्योंकि जब तक पुलिस और सरकार सजग नहीं होगी, समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक इस पे कोई रोक लगना बड़ा मुश्किल है। इस तरह की घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और क्राइम रेट जो विमेन अगेंस्ट आई है मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश आज देश का सबसे पहला प्रदेश आया है जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। मैं सोचती हूँ सरकार को बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है। महिलाओं के मामले में उनके मंत्रियों के घर के पीछे महिला का मर्डर हो गया और टांगे जब कुत्ता उठा के लाया तब पता लगा। मैं सोचती हूँ इससे ज़्यादा महिलाओं की अनदेखी और नहीं हो सकती।